आप सभी का मेरे चैनल में अभिनंदन है, स्वागत है। ये है 120 फीट के शिवलिंग। देखिए ये मंदिर का बाहर का पूरा दृश्य है। बाहर से मंदिर इस तरह का दिखाई देता है। देखिए तीन तल्ला का मंदिर है ये। इस मंदिर की ये विशेषता है, जितने ऊंचे शिवलिंग है उतनी ही बड़ी प्रतिमा नंदी भगवान की उनके सामने में है। देखिए उनके अपोजिट में नंदी भगवान, उतने ही बड़े नंदी भगवान भी बैठाए गए हैं। इस तरह का एक अनोखा मंदिर है ये। आज मैं आप लोगों को भिलाई से 45 किलोमीटर दूर राजनांदगांव लेकर चलती हूँ। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। देखिए मौसम बहुत सुहाना लग रहा है, क्योंकि सुबह में बारिश हुई थी और बरसात का मौसम है, इसलिए देखिए हरियाली भी चारों ओर छाई है। और सावन का महीना चल रहा है, इस महीने में शिव जी के दर्शन करना बनता है। मैं हूँ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के आशानगर के पास। यहाँ पे मैं आई हूँ बर्फानी धाम मंदिर आप लोगों को दर्शन कराने। अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को शिव जी के दर्शन करा दूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पाताल भैरवी मंदिर में आई हूँ। पाताल भैरवी मंदिर यहाँ का बहुत ही विख्यात मंदिर है और आप लोगों को मैं इसका दर्शन करवाऊँगी। तो चलिए हम अंदर चल। धूप बहुत ज़्यादा है, इसके कारण मुझे थोड़ा शूटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी चलिए मैं आप लोगों को दर्शन कराती हूँ, अंदर ले चलती हूँ, मंदिर में क्या खासियत है आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए ये बर्फानी धाम है। यहाँ पे 108 फीट ऊंची शिव जी की प्रतिमा है। ये मंदिर तीन स्तर पर बना हुआ है। इसमें नीचे माँ दुर्गा जी का मूर्ति है जो कि 16 फीट नीचे में है। तो हम मंदिर के अंदर जाएंगे और आप लोगों को सब चीज़ दिखाएंगे। मैं पहले बाहर से आप लोगों को दर्शन करवा दे रही हूँ कि मंदिर का दर्शन आप लोग बाहर से कर लीजिए। उसके बाद हमें देखिए यहाँ का प्रवेश द्वार है, इससे हम अंदर जाएंगे। अंदर जाके हम मंदिर का और मूर्ति का दर्शन करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ चलिए अंदर का हम दर्शन कराते हैं आपको। ये है मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा, देखिए। ये देखिए यहाँ पे ऊपर में बहुत बड़े नंदी भगवान है। मैं ऊपर से जाके आपको दिखाऊंगी, नीचे से नहीं दिखाई दे रहा है। यह है मंदिर का प्रवेश द्वार, चलिए हम अंदर चलते हैं। अभी सुबह का 10 बजे हैं, हम सुबह 10 बजे आए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो भीड़ काफ़ी कम है। यहाँ पे देखिए माता जी का मंदिर भूगर्भ में है, नीचे है, तो हम नीचे जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से सीढ़ी है नीचे जाने का। ये 16 फीट ऊंची प्रतिमा है माँ की, काली जी का रूप है। देखिए मंदिर के अंदर बहुत ही शांति है, काली जी का विकराल रूप है यहाँ पे, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। चलिए हम पास चलते हैं। पंडित जी मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। बिल्कुल बता रहा हूँ। अपना जो बर्फानी धाम आश्रम है, यहाँ बहुत बड़ा संत रहे, बाबा जी रहे, पंथ बर्फानी बाबा जी, वो निश्चय किया कि यहाँ पर बहुत भव्य मंदिर बनना चाहिए। तो तीन मंदिर बनाए। नीचे में है आपको पाताल लोक, आप जहाँ खड़े भी पुनः है वो है देवी लोक, इसके ऊपर शिव लोक है। अच्छा। लोक है तो नीचे बोलते हैं पाताल भव्य मंदिर, बीच में जहाँ आप खड़े हैं तो बोलते हैं राजराजेश्वरी त्रिपुरसुंदरी माता, और ऊपर जाइएगा तो आपको 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा। अच्छा। मान लीजिए जो व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता है किसी कारणवश, उनको दर्शन यहीं से 12 ज्योतिर्लिंग में मिल सकता है। और थोड़ा सुबह आगे नीचे उतर जाएंगे दाहिने तरफ तो 151 किलो का पारे का शिवलिंग बना हुआ है। ये बगल में ही है अपने, हाँ पारे शिवलिंग है, वहीं पर बर्फान दादाजी महाराज का मूर्ति भी स्थापित है, उनकी समाधि। पंडित जी आपका नाम? मेरा नाम महामंडलेश्वर गोविंदा जी महाराज। यहाँ पे नीचे में काली जी का छोटा रूप है, बगल में है हनुमान जी और यहाँ पे है शिवलिंग। इस मंदिर को बने 25 साल हो गए हैं, 25 साल पुरानी मंदिर है ये। ये देखिए यहाँ पे देखिए मन्नत की नारियल सब बांध के रखे हैं काली जी के पास। यहाँ से ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए हम ऊपर चलते हैं, इसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये तीन तल्ला मंदिर है, तीन स्तर पे बना है। सबसे नीचे काली जी, इसके ऊपर अब चल के देखते हैं क्या चीज़ है।
यहाँ पे एक मंदिर दिखाई दे रहा है, अंदर जाके देखते हैं। अभी काली जी का ही मंदिर लग रहा है। दूसरा स्तर है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ पे गणेश जी हैं, माँ काली है, ये देखिए माँ काली, तारा, माँ पौडसी ललिता जी हैं, माँ भुवनेश्वरी, अरे माँ ये छिन्नमस्ता है। यहाँ पे माता त्रिपुर सुंदरी जी का मूर्ति है। यहाँ पे त्रिपुर भैरवी, उमावंती, बंगलामुखी, माँ तंडी, माँ कमला, माँ भैरव बाबा। अब हम तीसरे तला पे चल रहे हैं, यहाँ पे चल कर देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे हमारे, तो चलिए हम चलते हैं, हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे शिव जी हैं बहुत बड़े से। ये देखिए ये बड़े से शिव जी हैं और इनके चारों तरफ 12 ज्योतिर्लिंग है। ये देखिए आप एक जगह आके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए 6 ज्योतिर्लिंग उस तरफ और 6 ज्योतिर्लिंग इस तरफ है। सब ज्योतिर्लिंग के नाम पीछे लिखे हुए हैं। देखिए मंदिर के बारे में बताइए, ये कौन सा यंत्र है यहाँ पे जो रखा हुआ है? ये श्री यंत्र है, लक्ष्मी श्री यंत्र, लक्ष्मी श्री यंत्र है। और ये शिव जी का कौन सा रूप है यहाँ पे जो प्रतिमा है? ये नटराज रूप है। अच्छा, मंदिर यहाँ रोज खुला रहता है ना? कितने बजे से कितने बजे तक? 4 बजे से 9:30 बजे। सुबह 4 से रात 9:30, दोपहर में भी खुला रहता है। अच्छा, ये नटराज जी की मतलब नटराज रूप है शिव जी का। देखिए यहाँ पे देखिए एक बड़े से नंदी भगवान बैठे हैं, शिव जी के अपोजिट में है ये नंदी भगवान जी। एक बहुत बड़ी प्रतिमा है ये भी, मैं पास से दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए जो नंदी भगवान है उसके नीचे मंदिर है, इस मंदिर में हनुमान जी हैं। यहाँ पे दो बड़े बड़े घंटा लटके हुए हैं। और चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा है और यहाँ पर है श्री 111 ब्रह्मश्री श्री बर्फानी बाबा जी का फोटो लगा हुआ है। इन्हीं के द्वारा ये मंदिर स्थापित हुआ है। यहाँ पे भी देखिए इनका एक ठो फोटो लगा है और ऊपर भी उनका फोटो है। बर्फानी बाबा के मंदिर के उल्टे की तरफ अपोजिट साइड देखिए यहाँ बर्फानी धाम है। यहाँ पे पारदेश्वर शिवलिंग के दर्शन होंगे, तो चलिए हम अंदर दर्शन करते हैं। यहाँ पे देखिए महर्षि जी जो थे बर्फानी बाबा, इन्हीं के द्वारा मंदिर बनाया गया है। उनका मूर्ति है यहाँ पर, उनका खड़ाऊं है। और ये वो शिवलिंग है, ये देखिए। ये है बर्फानी बाबा जी का फोटो। पादेश्वर शिवलिंग है ना ये? इस तरह मैंने आप लोगों को पूरे मंदिर का दर्शन करा दिया। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।